बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का नवा चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले के प्रश्न जो है मेरे चैनल पर यूट्यूब पर पहले से ही अवेलेबल है, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रश्न हल करने से पहले जो है इन प्रश्नों में जो बेसिक फार्मूले यूज होते हैं मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इसे मान लीजिए कि ये कोण ए है। अगर ये कोण ए है तो इस कोण के रिस्पेक्ट में ये आधार होगा और ये इस कोण के सामने वाला लंब भुजा जो है वो लंब कहलाएगी, और इस तरह से जो टेढ़ी और सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अब देखिए कि जैसे हमने 8वें चैप्टर में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसेकेंट ए, सेकेंट ए और कोट ए। तो साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। देखिए साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर, लंब बटे कर्ण। कोस ए आधार बटे कर्ण, टेंजेंट ए लंब बटे आधार। इसको मैंने आपको याद करने का एक ट्रिक भी दी थी, आपको याद रखना है ल आ ल बटे क क आ, लाल बटे कक्का, ल आ ल बटे क क आ, साइन ए कोस ए टेंजेंट ए। और अब रही बात कोसेकेंट ए, सेकेंट ए और कोट ए की। कोसेकेंट ए में जो है साइन ए का जो फार्मूला बनता है उसका अंश का हर हर का अंश यानी फार्मूले को पलट करके लिख दीजिए, कर्ण बटे लंब। सेकेंट ए में कोस ए का फार्मूला पलट के लिखना है, कर्ण बटे आधार। कोट ए में टेंजेंट ए का पलट के लिखना है, आधार बटे लंब। ठीक, तो अब देखिए मैं मेन रूप से ये तीन ही सूत्र यूज करूंगा इस चैप्टर के इस प्रश्नों को हल करने में। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि साइन ए लंब बटे कर्ण, कोस ए आधार बटे कर्ण और टेंजेंट ए लंब बटे आधार। इसके अलावा देखिए अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हमने एक टेबल याद की थी कि साइन ए का मान 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। कोस ए, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0। यानी उल्टी साइड से लिखना शुरू कर दीजिए, पीछे से लिखना शुरू कर दीजिए, 1√3/2, 1/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके, कोस ए की वैल्यू आ जाएगी। और टेंजेंट ए में क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 0/1 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3। 1 को 0 से भाग करना परिभाषित नहीं है। तो अब ये देखिए कि यहां पर तीन तो सिंपल से सूत्र ये हैं और तीन ये वैल्यूज हैं, सिर्फ यही फार्मूले यूज होने हैं। अगर ये फार्मूले आपको याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो अब आइए प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। नंबर 3 में देखिए, कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ।
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब देखिए कि पहले जो फिसलन पट्टी है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो जैसे फिसलन पट्टी आपने देखी होगी, जैसे ये हमारे पास एक जमीन है और ये ऊंचाई हम 1.5 मीटर लेकर चलते हैं और ये फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ है 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये चित्र आपने फ्री हैंड बनाना है, यहाँ पर माप करके कोण बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। बी सी तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी, ए सी इसकी लंबाई होगी। तो इसके अलावा आगे क्या कहता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये तो कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी होगी और अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या हो गया, जमीन होगी ये और भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर और 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, जहाँ कोण 30 डिग्री था वहाँ 60 डिग्री हो गया। तो प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको मैं नाम पी क्यू आर दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम इसका हल लिखते हैं कि पहले स्थिति एक, पहली स्थिति में हमें क्या है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ए सी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहली स्थिति को हम कहेंगे छोटे बच्चों के लिए या कम उम्र के बच्चों के लिए लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ ही लिखना हम पसंद करते हैं। तो कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, ऐसी जो आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ऊंचाई होगी बीसी, बीसी कितना है 1.5। ओके, अब आपको ज्ञात क्या करना है, एसी ज्ञात करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया आगे। अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा कि आपके पास 2 भुजाएं हैं जिनमें से एक आपको दी हुई है और एक आपको ज्ञात करनी है। बस उन्हीं 2 भुजाओं का आप जिक्र करोगे, तीसरी भुजा जो आपसे नहीं पूछी गई है नहीं ज्ञात करनी है, उसका एक बार मैं इस सवाल में जिक्र नहीं करूँगा कि आपके पास एक लंब है और एक कर्ण है। अब लंब और कर्ण में देखिए कौन सा फार्मूला आप इन तीनों में से लगा सकते हो। लंब और कर्ण किस किस में, लंब और कर्ण किस में, साइन में है तो साइन का ही लगेगा, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज या सम, इसको लिखें समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब यानी बीसी बटे एसी बराबर साइन 30। यहाँ पे लंब कर्ण आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये लंब है, लंब का नाम बीसी है और ये कर्ण है, कर्ण का नाम एसी है, साइन 30 के बराबर हो गया। अब देखिए कि बीसी, बीसी की वैल्यू रख दो 1.5, एसी आपको ज्ञात करना है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब एसी को दूसरे साइड ले जाएं, यानी आर पार गुणा कर दीजिए इसकी, 2 × 1.5 और 1 × एसी। तो 1.5 को 2 से गुणा करेंगे 3, 3 बराबर एसी या फिर एसी बराबर
3 मीटर आ जाएगा। ओके, अब इस तरह से जो कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। इसलिए कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ओके, अब देखिए आपने अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई है उसकी लंबाई आपने ज्ञात करनी है। अब स्थिति दो, दूसरी स्थिति में देखिए कि अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, PR, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है PR जो आपको ज्ञात करनी है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्यू आर आपको दिया हुआ कितना, 3 मीटर दिया हुआ। अब समकोण त्रिभुज PQR में देखिए ये वाला समकोण है, दोनों में करते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा कि लंब बटे कर्ण सेम टू सेम ऊपर की तरह से करेंगे QR बाई PR क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब देखिए कि QR कितना है, 3 मीटर और PR आपको ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना उसको ऐसे कैसे रखें, PR आपको फिसलन पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब साइन 60 कितना आ गया, वर्गमूल 3/2। अब इनके आर पार गुणा करते हैं, आर पार गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6, आर पार गुणा क्या होती है इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, 2 × 3 = 6 और इधर हो जाएगा PR गुणा √3। फिर अगले स्टेप में √3 इसके नीचे चला जाएगा तो PR बराबर 6/√3। अब वैसे तो इसका ये आंसर आ गया कि 6/√3 मीटर, लेकिन हम नीचे जो है वर्गमूल वाली संख्या नहीं रखते गणित के अंदर, तो इसका प्रमेयकरण करके नीचे जो रूट है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो PR बराबर 6/√3। अब नीचे वाला रूट खत्म करने के लिए रूट जैसे √3 है तो √3 से गुणा √3 से भाग, √3 और √3 की गुणा 3 होती है, गुणा 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 2√3 मीटर जो है बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई आ जाती है। तो आप लिख दोगे अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखिए जो स्थिति दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम एक चित्र बनाते हैं कि ये भूमि है और इस भूमि पर ये कोई मीनार है। ओके, मीनार और भूमि या कोई पेड़ दे रखा है या कोई टावर दे रखा है उसका भूमि से 90 डिग्री का कोण ही होता है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इसका पाद बिंदु यानी इसका जो फुट पॉइंट है वहां से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, यहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। अब देखिए कि इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री है। ओके, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर A, B, C,
हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, बीसी है, तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है बीसी, जो आपको ज्ञात करनी है, और बिंदु ए बी से 30 मीटर की दूरी पर है। और अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई बीसी जो है वो हमें ज्ञात करनी है, और जो भूमि पर इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जो बिंदु है वो ए है, तो ए बी बराबर हम कितना लिखेंगे 30 मीटर। और अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए अब आप कौन कौन से साइड का जिक्र करोगे। बी सी तो आपको फाइंड आउट करनी है और ए भी दे रखी है, तो इन दो भुजाओं का जिक्र करोगे। तो लंब और आधार, लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, टेंजेंट होता है। तो बी सी बाई ए बी बराबर टेंजेंट, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो 30 लिखोगे। अब बी सी बटे ए बी, ए बी कितना है 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। अब इनकी आर पार गुणा कर दीजिए, या फिर 30 को इधर ले जाइए सीधा, बी सी बराबर 30/√3। अभी आपको पता है कि नीचे हम रूट रखते नहीं है, इस नीचे वाला रूट खत्म करने के लिए √3 से गुणा √3 से भाग। अब 30√3, √3 और √3 के गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दहाई 30, 10√3 मीटर जो है वो इसकी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर आ जाएगा। अब प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दी गई स्थिति के अनुसार एक चित्र तैयार करते हैं कि ये भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखिए यहां से हम ये 60 मीटर की ऊंचाई मान लेते हैं, इस ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, इसके साथ कोई डोरी लगी हुई उसको यहाँ भूमि के किसी बिंदु के साथ बांध दिया जाता है, और डोरी का झुकाव कितना 60 डिग्री है। अब देखिए डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए ये ए बी सी, ए सी मान लेते हैं क्या है, डोरी की लंबाई है, और बी सी क्या है, पतंग की ऊंचाई है। तो माना पतंग की ऊंचाई क्या है बी सी, जो कितनी दे रखी है 60 मीटर दे रखी है, और डोरी की लंबाई जो है एसी है आपको ज्ञात करनी है, और ये वाला कोण सी ए बी, कोण सी ए बी कितना है 60 डिग्री है। तो पिछले दो क्वेश्चनों में मैं ये कोण लिखना भूल गया था, वो आप लिख लेना। अब देखिए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि एक तो आपको लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछा है, तो हम इन्हीं दो भुजाओं की बात करेंगे कि लंब बटे कर्ण यानी बी सी
बटे एसी। लंब और कर्ण में अनुपात क्या है, त्रिकोण में तीन अनुपात क्या है, साइन है तो लंब बटे कर्ण क्या है साइन, और कितने डिग्री लेंगे, जितने डिग्री का यहाँ पर कोण बना वही लेंगे। अब बीसी क्या है 60, एसी ज्ञात करना, तो यूं कहूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। अब इसकी आर पार गुना 60 गुणा 2 और एसी गुणा वर्गमूल 3, फिर वर्गमूल 3 और इसके नीचे ले आओ तो एसी बराबर क्या आ जाएगा 60 गुणा 2 बटे वर्गमूल 3। अब 60 दूनी 120 बटे वर्गमूल 3। अब इस वर्गमूल 3 को खत्म करने के लिए वर्गमूल 3 से गुणा वर्गमूल 3 से भाग। अब 120 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 और 3 की गुणा 3, 3 एकम 3 और 40 थी 120, 40 रूट 3 जो है वो मीटर डोरी की लंबाई आ जाती है, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40 वर्गमूल 3 मीटर। आंसर।